जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, बस क्यों बोला ऐसे नहीं ऐसे करते, ऐसे नहीं ऐसे करते, तेरी हर हर बात सुनूंगा लेकिन करते आजकल चल ना आज अलग तरीके से, तरीका बदल चुका है मेरा। क्या मेरा मूड नहीं है नहीं। हाँ तो क्या यहाँ पे क्या कुछ चुभता है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? So, क्या बोलते पब्लिक, कैसे हो आप लोग? आई होप के सब मस्त होंगे। दोस्तों आज लेके आया आपका भाई एकदम फाड़ू वाला वीडियो। दोस्तों करने क्या वाले पता, आज पूजा और मैं साथ में करने वाले हैं। जी हाँ आप सही सुने, साथ में करने वाले, घर के हर जगह पे करने वाले, कोने कोपरे में करने वाले हैं, बाथरूम में करने वाले, किचन में करने वाले, कोई जगह छोड़ने वाले नहीं है। एक्चुअली करने क्या वाले ये भी तो सुनो, साफ सफाई करने वाले। हाँ जी आज पूजा को बोलूंगा चल आज करते हैं, बेडरूम में करते, बाथरूम में करते, किचन में करते, देखते हो क्या समझती है, उसकी सोचने की लेवल कहाँ तक है जरा देख लेते आज के वीडियो में। और वीडियो के बीच में आपके लिए एक मस्त मैसेज है, देख लेना वो भी, और बस एंजॉय करना वीडियो। चलो बढ़ते वीडियो की तरफ, बाय बाय। देख कौन है? अरे फोन पे बात कर रही हूँ ना, दिमाग खराब है आपका? अभी मजा आएगा ना। क्या बात है सर, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही थी। सुन तो सही। क्या सुनो, मुझे कुछ सुनना नहीं है, फोन काट दिया, मैं जरूरी बात कर रही थी ना। क्या जरूरी बात है, क्या जरूरी बात है, मैसेज करना आपको क्या ऐसे जरूरी बात करनी, बताओ जो फोन काट के इधर बैठ गए मेरा मुंह देखते हुए। हाँ क्या जरूरी बात करनी है ऐसी जो फोन काट दिया? अरे क्या है बताओ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है तू? मैं तेरा अपना हूँ। तो सब अपने ही है मेरे, हम दोनों एक बंधन में बंध चुके हैं, पता है ना तुझे? वो तो उसी ने पता चला था मेरे को। इतना भड़क क्यों रही है यार, आप क्या हरकत कर रहे हो ये? तो मेरा फोन काट दिया, मैं बात कर रही थी, टाइम पास नहीं कर रही थी, जरूरी बात कर रही थी। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल यार मेरे को ये सब पसंद नहीं है। आप पहले देखते जाओ मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, फिर ऐसे सब हरकतें करो। बस हो गया तो बात करना, क्या करना, मैं किसी से जरूरी बात कर रही थी, आपने बीच में आके फोन काट दिया। हमेशा का है यार, छोड़ना है यार। क्या छोड़ू मैं, क्या बोल रहा हूँ सुन तो। क्या बोल रहा है बोलो। So, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, जिसके बारे में बात करने से काफी लोग डरते हैं, कतराते हैं, और वो टॉपिक है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। प्री मैच्योर इजैकुलेशन जिसे हम अर्ली डिस्चार्ज भी कहते हैं, जो इंटरकोर्स यानी कि संभोग के दौरान वक्त से पहले ही सीमन को इजैकुलेट कर देती है। ये प्रॉब्लम आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्या ला सकती है दोस्तों, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इससे कम हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो इसके होने के कारण तो साइकोलॉजिकल इश्यू है दोस्तों, जैसे कि एंजाइटी, हाई बीपी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और बैड सेक्सुअल एक्सपीरियंस, और काफी सारी चीजें जिन चीजों की वजह से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। तो अभी इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाया जाए? तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना जरूरी है, और इसके लिए हमें पड़ेगी न्यूट्रिशन की जरूरत। तो न्यूट्रिशन, अच्छे न्यूट्रिशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैंश्योर का प्रोलॉन्गर सप्लीमेंट। जी हाँ दोस्तों, मैंश्योर प्रोलॉन्गर सप्लीमेंट जो काफी नेचुरल इंग्रेडिएंट से भरा हुआ है। सो मैंश्योर प्रोलॉन्गर सप्लीमेंट में है गॉट वेट, जो हमारे मसल स्टैमिना ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है और हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम कर देता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जिनसेंग, ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है और बॉडी में एनर्जी बढ़ाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है तल मखना, जो हमारे सीमन की डेंसिटी और ड्यूरेशन को इम्प्रूव कर देता है। इसमें और भी काफी सारे इंग्रेडिएंट है दोस्तों, नेचुरल इंग्रेडिएंट काफी सारे है दोस्तों। अगर आप भी जानना चाहते हो प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में, और अगर आपको लगता है कि कहीं मैं भी इस प्रॉब्लम से गुजर तो नहीं रहा, तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है जहाँ पे
फॉर्म है वो फॉर्म भर के आप डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन पा सकते हो दोस्तों, फ्री में एडवाइस पा सकते हो, बस आपको जाके फॉर्म भरना है। और साथ ही में लिंक दी हुई है, बाइंग लिंक दी हुई है दोस्तों, जिससे आप प्रोडक्ट को परचेस करके अपने घर पे मंगा सकते हो। सो जरूर इस प्रोडक्ट को यूज करके देखिए और इस प्रॉब्लम से राहत पाइए। क्या करते हैं? चलना कर। क्या करते हैं? दिमाग खराब है आपका। इतना दिन से मना कर रहा था, मुझे पता है तुझे बुरा लगा उस चीज के बारे में, बुरा लगा होगा, लेकिन मैं आज फुल मूड में हूँ। आज करता है सीधा पहले बाथरूम से जा रही हूँ, लेकिन मैं मूड में नहीं हूँ। तो मैं हूँ ना, मुझे आता है, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। हाँ हो आप। मुझे पता है ये मेरा फोन काटे से थोड़ी गुस्से में है, लेकिन थोड़ा बाद में बात कर रहा हम इस तरह कर लेते ना, उसके बाद बात करते बैठे तुम भी शांत मैं भी शांत, उसके बाद पहले बाथरूम से चालू कर। मेरे को नहीं खिड़की दर से चालू करना है, आप चलो ना आज अलग तरीके से, तरीका बदल चुका है मेरा। क्या मेरा मूड नहीं है, लेकिन जाओ आप यहाँ से। चलना है क्या? चलना बाथरूम से चालू कर, किचन में थोड़ा, किचन में कर थोड़ा, बाथरूम में कर, और फिर बेड में वापस बेड पर आ गया। आपका दिमाग सही है? घर पर आ गया आपको? अरे दुकान क्या हुआ क्या है? मुझे इतना दिन तक मुझे सही नहीं लग रहा था, आज एकदम सही लग रहा है। इससे तो आज बराबर से सही लगेगा आपको। जब मेरा मूड खराब होता है तभी आपका मूड अच्छा होता है। अरे मेरा मूड खराब देते हैं अच्छा कसम, जब मुझे काम धंधे रहते हैं तब करते करते बोलती, तब मुझे टाइम नहीं होता मेरे पास। आज मेरे पास टाइम है, आज मैं खुद से बोल रहा हूँ कि आज करते, आज घर की हर जगह पे करते, हर कोने में जाते। बस ऐसा क्या करना है, हर कोने में जाते? दिमाग खराब हो गया आपका? क्या चल चल लगा के रखा? मेरे को नहीं आना है। एक बार करना चालू हो जाएंगे ना तो दोनों का मूड शांत हो जाएगा, फिर ना हम लोग किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे ना, तो फिर ये गुस्सा जिस्सा दोनों के मुंह से सब ऑटोमेटिकली निकल जाता है। इसमें जादू अलग चल। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को नहीं आना है, मेरा मूड नहीं है, आपका है, कुछ आओ निकलो। किसी एक का मूड बना बन के अच्छा नहीं है। अरे तो चल ना, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा पापा, मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, सारी तकलीफ मैं खुद के ऊपर लूंगा, बस तुझे तकलीफ नहीं दूंगा, तू बस रहना वहाँ पे। अच्छा मूड रहता है तब नहीं आपका मूड रहता है, मूड होता है तब आपका मूड नहीं होता है। तो मेरे मुझे काम रहता है ना, आपका मूड बंद, मैं थका रहता हूँ, मैं ऑलरेडी काम करके आया हुआ रहता हूँ, ऊपर से तू घर पे आने के बाद मुझे थकाने की बातें करती है, तो मैं कितना थकू? तो आज मैं फ्रेश हूँ, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज मैं थकना चाहता हूँ, आज मैं कुछ चाहता हूँ कि तू मुझे कभी, तो तू भी मुझे थका। अभी मैं ऑलरेडी थक गई हूँ, अभी मेरे को और नहीं थकना है। कभी तू बोलेगी मैं इसे रिएक्ट करूँ चलेगा तेरे को? हाँ तो करते हो ना, इसके लिए मैं अभी कर रही हूँ। तो बदला ले रही है तू? हाँ तो वही समझ लो। अरे क्या बदला लेना यार, इसमें बदला बिदला क्या है यार, तो वही समझ लो ना, बदला ही ले रही हूँ। इसे रिवेंज मत रख दिमाग में, हम लोग करते चल साथ में बाथरूम में, क्या पहले कहाँ से शुरू करके तू मुझे खुद बताना, तो जहाँ चाहेगी वहाँ से शुरू करेंगे, बस मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहीं नहीं, और तू जैसे चाहेगी वैसे करेंगे, बस तू बोला ऐसे नहीं ऐसे करते, ऐसे नहीं ऐसे करते, तेरी हर हर बात सुनूंगा, लेकिन करते आज कर। मौसम भी है, दस्तूर भी है, और दिल जवान है, आग खेल बुड्ढा हो गया दिला। अरे तेरी आंखें खराब हो गई, ठीक से झांक के देख, ये अभी भी चुस्त तंदुरुस्त है। अच्छा चल, दिमाग खराब, पहले मूड किरकिरा कर लेते हो फिर चल 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 मेरे पीछे चल। चलो सच्ची में देखिए, झूठ बोल रही हूँ क्या? कान के फट रहे हैं आपके? लेकिन एक बात बताओ, आज आपके दिमाग में किसने भरा है? क्या भरा है? बाथरूम में, बेडरूम में, किचन में, किसने
किसने फाड़ा? तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे क्या? हर तो हर जगह तो हर बार तू भी तो बोलती है। क्या मैं क्या बोलती हूँ? बाथरूम में करना है, किचन में करना है, हर जगह करना है। अरे मैं खुद बोल रहा हूँ तो तुझे? मैंने कब बोला बाथरूम में करना है, किचन में करना है? तो यही से करते। हाँ तो क्या यहाँ पे क्या कुछ सुविधा है? क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? यहाँ से होते होते बाथरूम में आएंगे फिर क्या बोलते? पहले यहाँ करते फिर बाथरूम में फिर किचन में। यार आप बाथरूम में क्यों आते हो? बाथरूम में क्या कर रहे हैं आपको? तो बाथरूम साफ नहीं किए क्या? गंदा स्मेल आ रहा है क्या? बाथरूम में भी करना चाहिए कभी कभी। बाथरूम में तो करने के बाद जो मतलब तो खुशी मिलती है ना वो अलग ही होती है। क्या दिमाग खराब है आपका? तो ठीक है चलिए यही से करते हैं। हाँ यही से क्या बोलते हैं? हाँ क्या और क्या लाते हैं? क्या लाते हैं? अरे जो करने के लिए सामान लगेगा वो भी तो चाहिए। सामान तो लेके आना पड़ेगा ना। सामान लाता हूँ। नई चीज क्या है बाबा? हर टाइम लगता है बताने तेरे को। कभी कभार नहीं लगता लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लगता ही है ना। अरे क्या पागल हो गई? मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी नहीं लगता है। अब क्या झाड़ू के लेके आए हो? तो इसी से ही करूंगा ना। क्या इसी से ही करेंगे ना? इससे क्या करोगे? इसे तो झाड़ू लगाते हैं। हाँ तो झाड़ू ही तो लगाना है, साफ सफाई करना है। तो बाथरूम बेडरूम हर जगह तो करना है। तू तो बोलती रहती है साफ सफाई करना है, छुट्टी लो, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता, मैं कब तक करूंगी, कितना करूंगी अकेली जान। तो आज छुट्टी तो करते ना, हर जगह करते, बेडरूम में करते, बाथरूम में करते, किचन में करते। शुरुआत यहाँ से करते, तू जैसे बोल रही शुरुआत यहाँ से कर, यहाँ से करते। एक काम कर, तू यहाँ से साफ कर, बाद में बाथरूम में, फिर मैं बाथरूम और किचन करने। अरे बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ फिर मुझे लगा ऐसे कि दिमाग पे तुझे क्या रोमांस का भूत चढ़ गए। रोमांस मतलब तुझे लग रहा था कि मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? बाथरूम में करते, किचन में करते, फिर किस चीज़ बात? शपथ। तू रेडी भी हो गई? किस चीज की बात? रेडी हो गई फिर ये है? तू बाथरूम करते बैठो ना फिर। बाथरूम किचन के लिए रेडी हो गई? मतलब क्या है तेरे दिमाग में? क्या है मतलब शैतान घुसा हुआ है क्या? आपके दिमाग में क्या है? आपके दिमाग में वाइल्ड होना चाहती है क्या? वाइल्ड होना चाहती है? पता है ना तुझे तेरी हालत क्या है? सोच समझ के बात कर। मैं तो सफाई के, मैंने एक बार भी तो उस चीज का जिक्र किया। लेकिन सफाई का तो कब किया? तेरे दिमाग में क्यों आया ऐसा? एक बार तो मैंने जिक्र किया था। मुझे ऐसा नहीं लगा शायद से सफाई के बारे में बोलते होंगे। यार आप बात ऐसे कर रहे थे। अरे मैंने ऐसे गले में हाथ डाल के, तो हाथ डाल के तो क्या हुआ? गुस्से से बोलना, दूर से ही बोलना चाहिए। मैं चाह रहा था कि ऐसे अगर करूंगा थोड़ा हल्के हल्के से हाथ घुमाऊंगा तो तू थोड़ा ज्यादा सफाई करेगी मेरे हिसाब से, और मुझसे ज्यादा सफाई करेगी, इसलिए मैंने थोड़ा गाड़ी गुड़ी लगाने के लिए किया। तू तो भाई सातवे आसमान में, मेरा सातवा आठवा आसमान। अरे डर्टी माइंड, दिमाग मत खराब करो। अब तो देख बड़े गिर जाएगी उतर बेट मत, इससे सपने सजा रही है। हाँ मन में लड्डू फूट रहे। अभी चल कर चालू सर से बैठो सफाई। अरे कहाँ जा रही है? अबे कहाँ जा रही है? पूजा नहीं करना है? मैं क्यों करूँ? अबे तू ही तो बोली करते। आपको ही ज्यादा मूड बन गया था ना करने का, तो करो। तो साथ में करते ना? साथ में करते हैं, करना है साथ में। साथ में करते ना? तो क्या अकेले सब साफ सफाई करनी है? समझ में आई बात? तू चालू करना। मैं क्या चालू करूँ सर? किसका मूड बन गया? करो, सब साफ सफाई होनी चाहिए। मैं देखने वाली हूँ। तू कर सब, ये सब साफ करूँगा। तू कर ये सब कुछ। अरे आपको कोई करना था ना, करो। हाँ ठीक से चाहिए मेरे को। अरे क्या है पागल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं गंदी हो जाऊंगी इसलिए मिले। मैंने बाथरूम शुरू करके बोला ये, तू यहाँ से बेडरूम से बाथरूम में क्यों अटके हो? इधर से भी करो। वहाँ पे जाला बिछा हुआ है कितने सारे मकड़ी के, तो बाद में वो भी करना है ना। तो वो तो चालू कर, वहाँ पे तो चालू कर। तू क्यों करूँ?
आपको तू भी तो रेडी हो गई, तू भी तो रेडी, हाँ बोली ना तूने, हाँ करते आप डर्टी माइंड है, पलटती है तू पटाख से। मेरे हाथ में झाड़ू थमा के चली गई, देखो क्या बोलूं यार, घर घर की कहानी मेरी अलग स्टोरी नहीं है, आपको भी पता है, आपके साथ भी होता होगा। चलो आई होप कि आपको वीडियो तो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और बस जिस गोलियों का जिक्र किया मैंने ना, खा के देखना अगर वैसे प्रॉब्लम होते हैं तो। बाय बाय।